काफ़ी शक्ति नाल मुहिम चलाया जाता है। उस मुहिम की लड़ी के साढ़े संगत पुलिस की टीम नू एक बड़ी अच्छी कामयाबी हुई है। इस जो एक्शन दे विच सानू 3 किलो हैराइन बरामद हुए हैं, इस विच टोटल असी 3 दोषी नूं गिरफ्तार किया है। ये दोषी वक्री वक्री जिला तो बिलोंग करता है। एक मेन दोषी है साहिल मट्टू जम्मू कश्मीर का, जम्मू का बिलोंग करता है। एक दूसरा दोषी है राज अजयवीर सिंह, वो तरन तरन का रहने वाला है। और तीसरा दोषी है अश्विनी कुमार, वो होशियारपुर का मेडियाना का नेड़े एक पिंड का रहने वाला है। ये तीनों दोषी कुछ समय के पहले जिनके पहले राजस्थान जैसलमेर लेके गए हैं, उत्ते आगे एक और बंदे इन्होंने मिले हैं और उन्होंने इन्होंने कंसेंटमेंट हैंड ओवर किया। फिर ये लेके उत्तों चल पड़े ने। इन्होंने वापस जदों पंजाब से एंटर करने लगे, अपने जिला के हद के संगत ही एंटर करने लगे। कल दिवाली करके सारे जिला के वक्रे वक्रे थावां पर साढ़े पुलिस वालों नाकाबंदी की गई सी। उस नाकाबंदी के दौरान ये शक्की हालात थी कि ये गड्डी रुक गया, चेक किया। चेकिंग के दौरान ये सानू ये बरामद मिली है, बरामद हुई है। बरामद के मुताबिक असी केस रजिस्टर करके उन्होंने मुंडी तप्ती शामिल इतने ध्यान चल रही है। उन्हें DSP रूरल और SHO संगीत और चौंकी इंचार्ज पत्राला इनकी टीम उन्हें इस केस को आगे तफ्तीश कर रहे हैं। हूँ तक जड़ा तफ्तीश ये गल सामने आई है, एक होशियारपुर का एक नोटोरियस क्रिमिनल है सतेंद्र सिंह उर्फ काला फलाई कहते हैं, वो फिलहाल गोइंदवाल जेल के लार्जड ने उत्ते ने। ये तीनों दोषी उन्होंने किसी और बंदे राजे आगे इन्होंने आपस में तालमेल कराया, करा के फिर ये सारे इकट्ठे होके जैसलमेर गए ने। फिर उतों ये कंसेंटमेंट लेके वापस आए ने। सो उन्हें इस स्टेज जरा बंदे तो अरेस्ट हो गए ने, पूछताछ चल रहे हैं। आज उन्होंने असी पेश करांगे, कोर्ट से पेश करांगे, करके और रिमांड लेवांगे, लेके फिर अगले तफ्तीश असी करांगे। बाकी जो भी लीड मिलता है तफ्तीश के दौरान फर्दर रिकवरी हो जाता जां लीड मिल जाता असी थोड़ा देर बाद शेयर करांगे। जो तीनों दोषी है उन्होंने खिलाफ काफ़ी पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री है। अश्विनी कुमार के खिलाफ एक्साइज एक्ट का केस रजिस्टर्ड ने, सागिल मट्ट का लड़ाई झगड़ा का 307 और आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड ने, और अजयवीर के खिलाफ NDPS का पहले तरह तरह के पर्चा दर्ज ने। सो इन्हें सारे हिस्ट्री असं वर्कआउट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। और इस अलावा जो स्कॉर्पियो गड्डी लेके आया, वो गड्डी की ओनर कौन है, उसकी बैकग्राउंड की है, उन्होंने ये रोल है नहीं है, वो सारे चीज़ असं तफ्तीश कराएंगे। देखो उसकी मैं इस स्टेज में थोड़े ना साझे नहीं करना चाहते क्योंकि साढ़े ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट साढ़े को लीड है ही नहीं उस बारे में, क्लियर कट इनफॉरमेशन है साढ़े को, वो असं जल्द तो जल्दी उन्होंने भी सारे डिटेल कराएंगे। और सानू और भी कुछ बंदे लोकल नहीं है, मतलब जो अपने पंजाबी लड़के हैं और राजस्थान के साढ़े वॉन्टेड ने टीम ने, सो असं वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करके फिर आप दसेंगे। बट डेफिनेटली ये यदि पीछे कोई विदेशी का कंपोनेंट है वो कोऑर्डिनेट करता है। बिल्कुल, क्योंकि जेडे उन्हें लेके आया है इन्होंने बठिंडा तो एंटर तो करनी है, आगे इन्होंने कितने जाना की रिकवर करना कितने डिलीवर करना इन्होंने भी नहीं पता। सो वो जरा पीछे से चल रहा है बंदा डायरेक्शन दे रहा है इन्हों, वो एक लोकेशन दसना सीगा इन्हों, वो पहले ही अपने अच्छे आ गए ने, तो फिर असं वर्कआउट कर रहे हैं। बट डेफिनेटली असं पहुँच जाएंगे, एंड तक पहुँच जाएंगे। इनके पास एक जो हथियार भी नहीं, 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 नहीं इन्हों को वेपन कोई नहीं है, गाड़ी है और जो हमारा NDPS का मेटीरियल बरामद हुई है, बाकी असं वर्कआउट कर रहे हैं। पत्र संगत
अच्छा कितनी वैल्यू है जी ये बंदी? देखो मैं पहला ही मैं क्लियर कट पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है, जो भी असं ड्रग्स असं मात्रा तुम दसेंगे कीमत नहीं दसेंगे, वो नैगेटिव कवर लगी जाती है, फिर मार्केट जो तुम कवर लाएंगे इन्ने करोड़ की आप वो ना पब्लिक की नैगेटिव हो जाती है। आप सारे जिम्मेवारी बंदे है पॉजिटिव सोच के रखना होंगे है, असं तुम्हें दस दिता 3 किलो हैराइन रिकवरी हुई है, मैं किसी कीमत में तर नहीं दस पाता। नहीं देखो ये पूछगिछ के दौरान जो पता लगा फिलहाल इतनी बड़ी गैंगस्टर कैटेगरी की नहीं है, बट ये जो होशियारपुर में इनकी लड़ाई हुई सी नंगल शहीदा पिंड लड़ाई हुई है सदर एरिया में, वो दोस्त की लड़ाई होने करके ये भी उत्ते जाके दोस्त को सपोर्ट करने के लिए शामिल हुए हैं, लड़ाई हुई है उत्ते, और जब ये गिरफ्तारी होया पठानकोट में गिरफ्तारी होया उस टाइम पे ये को असला भी सीगा, और ये हूँ धीरे धीरे जेल से जो है ये काला फ्लाई के नाल साहिल मंटू संपर्क हुए हैं, वाकया जो काला फ्लाई है वो गैंगस्टर किस्म का बंदा है, क्रिमिनल है वो, होशियारपुर से नंबर वन क्रिमिनल का वो काफ़ी देर से जेल है, इवन मेरा टाइम का भी जो मैं होशियारपुर रहे हैं उतने भी काला फ्लाई उस टाइम पे मेरा होशियारपुर जेल सी उस टाइम का भी सब तेने वक् वक् जेडे हैगे आप कहनी एरिए दे ने किस तरह संपर्क होया इन पीछे बड़े अच्छी इन दी गेम प्लान है, वो एक ही बंदा कोऑर्डिनेट करता काला फ्लाई के लिगा पर, जो इन्होंने पहले भी क्या सी एक बंदा बाहर से कोऑपरेट कर कोऑर्डिनेट कर रहा है वो काला फ्लाई का दोस्त है, पूरी शॉर्ट नेम सू पता है और थोड़ा सा डिटेल आ जाएगी पूरी असं वर्कआउट कर रहे हैं, वो बंदा कल कल इन्ने दी आपस चुसी तुसी इन्ने बजे इतने जाना इन्होंने मिलना इतने रुकना आ फलाना गड्डी आऊगी तुसी आगे उत्ते जाना उत्ते जाके रुकना रात में इधर रहना है फर्दर अगले दिन का ये करके लेके आना है, ये सारे कोऑर्डिनेट वही करता है बंदा, वो आपस में कोऑर्डिनेट करता है। फिलहाल जो 3 दोषी आप फड़े हैं इसी ऑपरेशन के दौरान ये तीनों इकट्ठे हुए हैं, चेकिंग नाकेबंदी के दौरान शक्की हालत में ये गाड़ी रुकने की वजह से हमने चेक की थी, हमने काबू किया है तलाशी लिया है पर फर्दर हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।